हेलो दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सॉरी फॉर लेट, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। चलिए कोई नहीं, जैसे ही हमें आप टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। तो जैसे कि हमने बहुत सारा बहुत चीज़ अपने जो वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे थे उसमें मैंने बहुत सारा चीज़ बहुत मतलब कस्टम पोस्ट टाइप को छोड़ के मैंने बाकी सब आप लोगों को बता दिया है। जैसे ये सब जो आ रहे हैं ये एलिमिनेटर से आ रहे हैं, कैसे यूज़ करते हैं। बाकी आप मोर डिटेल के लिए आप हमारी जो पिछली वीडियो है वो देखिए। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि कैसे कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होते हैं, आपको पता है WP लिखना है, लोकल होस्ट अपने प्रोजेक्ट का नाम WP एडमिन करके ऐसे लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो इसलिए हमें ऐसे दिख रहा है ये, तो हम यहीं से डायरेक्ट डैशबोर्ड पे क्लिक करके चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कस्टम पोस्ट टाइप होते क्या हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी क्वेश्चन कुछ होती है जो माइंड में, हाउ टू क्रिएट ए कस्टम पोस्ट टाइप इन वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस में हम कस्टम पोस्ट टाइप कैसे बनाते हैं? भाई देखो, कभी भी वर्डप्रेस में कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप या कोई भी चीज़ जो हम चाहते हैं कि अपना कोड इंसर्ट करें या कोई भी हम लॉजिक ऐड कराना चाहते हैं, आप लोग को सिर्फ एक ही चीज याद रखना, वो है functions.php फाइल। ये आप लोगों को बस याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो वो function.php के ही थ्रू ऐड कर सकते हो, चाहे वो विजेट बनाना हो, चाहे वो कस्टम पोस्ट टाइप बनाना हो, चाहे अपना कोई भी जैसे एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आप देना चाहते हो अपने वेबसाइट में, तो सारा कुछ हैंडल होता है function.php फाइल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। तो यदि मैं बताऊं या ना बताऊं, कभी कभी जब आर्टिकल आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको ये नहीं दिया रहता है कि आप इसको कस्टम मतलब ये जो कोड है इसको कहाँ पर पोस्ट करना है। तो बाई डिफ़ॉल्ट यदि ना दिया रहे या दिया रहे, आपको हमेशा function.php के अंदर ही रखना होता है, ठीक है। तो अब देखिए, दो तरीके होते हैं कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के, ठीक है। पहला तरीका है कि आप सिंपल सा प्लगइन यूज करके बना लो। प्लगइन यूज करके बनाओगे तो ये क्या होगा कि आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन द सेंस कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी सब वही काम करेगा। मैनुअली आप बनाओगे, ठीक है, मैनुअली आप जब क्रिएट करोगे कोई बात नहीं, उसमें कोडिंग में कुछ आपको आ भी सकता है, कुछ इशू आ सकते हैं। लेकिन यदि आप प्लगइन का यूज करते हो तो आपको ईजी है और जितना चाहे उतना बना सकते हो, फुली डायनेमिक है, ठीक है। ये दो होता है, यदि आप मैनुअली यदि बनाना चाहोगे तो आपको function.php का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको function.php बनाना पड़ेगा। तो function.php जो होता है अपनी थीम की फाइल होती है, जैसे कि हम अभी बात करते हैं, ये देखिए, जैसे कि हम गए यहाँ पे, ठीक है। जाने के बाद जो है हम यहाँ पे जाके यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे function.php, ये हमारा htdocs है फोल्डर, जहाँ पे हम लोकल होस्ट हमारा है, फोल्डर नेम है WMK वेबसाइट मेकिंग किंग, WP कंटेंट के अंदर हमारा थीम है, थीम के अंदर हम 2011 थीम यूज कर रहे हैं। ये function.php हम ऐसे एडिट करके यहाँ से जो है हम मैनुअली बताएंगे। लेकिन हम मैनुअली अभी जो है आप लोगों को नहीं बताएंगे, हम इसकी इस वीडियो के बाद अभी हम प्लगइन का यूज करेंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है जिससे आप कस्टम पोस्ट टाइप UL प्लगइन का यूज करके जितनी चाहे उतने आप कस्टम पोस्ट टाइप बना सकते हैं, और इधर फ्री बनाओगे आप, बहुत ही ईजी से बना सकते हो, और सारा कुछ अब मेंशन है। आप देखिए, जैसे आप इसको जब बनाएंगे तो थोड़ा सा जब इसे इस प्लगइन के बारे में थोड़ा सा R&D करेंगे तो ये बहुत अच्छी प्लगइन है। देखिए, बेसिकली मैं भी इन्हीं इसी प्लगइन का यूज़ करता हूँ। कस्टम पोस्ट टाइप में बहुत पहले बनाता था function.php में, अब ये बहुत ही सुविधा होता ही है। सुविधा के इन द सेंस कि यदि आपको कस्टम पोस्ट टाइप बनाना है, ठीक है, तो आप सीधे गए इस प्लगइन को डाउनलोड करके एक्टिवेट कर लीजिए और सारी की सारी फंक्शनलिटी आप ले लीजिए, ठीक है। तो कस्टम पोस्ट टाइप बनाना है, जैसे ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे पोस्ट आ रही है, कस्टम पोस्ट टाइप हमारी है, मीडिया है, इसी तरह आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका कोई चीज़ आए, यहाँ पे आप चाहते हो कि अपना ही नाम, जैसे सपोज अभी मैं इस प्लगइन को मैं एक्टिवेट करता हूँ, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, कस्टम पोस्ट टाइप ULI को। तो अब मैं जो हूँ इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, आप लोग डाउनलोड करके, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हूँ कि कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो आप मैनुअली जाके भी फोल्डर में जाके कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्लगइन को के जो है मेनू को खोलिए, प्लगइन मेनू को खोलने के बाद आप यहाँ पे न्यू करके, ठीक है ब्रो, आप यहाँ पे न्यू करके ऐसे इसका ऐसे कॉपी कीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए आपको नेट चाहिए, इंटरनेट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए हमारी नेट कनेक्टेड है, तो आप जाके यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए
और इंटर मार दीजिए। जैसे आप इंटर मारोगे ये प्लगइन आपको वहां पर दिख जाएगा और आपको एक्टिवेट कर देना है। ये देखिए, ये भी सर्च करा है, देखिए देख रहे आ गई ना, तो ये एक्टिवेट है। ठीक है, बस आपको मतलब हमारे में ये पहले से इंस्टॉल्ड है, यदि इंस्टॉल नहीं है इसीलिए मेरे यहाँ पे एक्टिवेट आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ ये चीज़ इंस्टॉल नहीं है, ये प्लगइन देखिए, तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल ना हो रहा है। ये पहले ही से मैंने बोला कि मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर लिया है, तो इसीलिए मेरे पे एक्टिवेट आ रहा है, मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो मैनुअली। ठीक है, नहीं तो फाइल्स में उठा के इसको डाउनलोड करके आप फाइल में उठा के रख सकते हो। मैं वीडियो बनाया हूँ ब्रो, आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद भी यदि कोई आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बताइएगा, मैं सॉल्व आउट करूँगा। थोड़ी सी आवाज़ हमारी भारी भारी लग रही है, थोड़ा हमें फीवर है इसलिए मैं थोड़ा बैठा था, मैंने कहा आप लोग के लिए कुछ करूँ, मैं बोर हो रहा था, मैंने सोचा आप लोग के लिए कुछ करता हूँ। तो मैंने कहा कि हमारा एक सिलेबस बचा था कस्टम पोस्ट टाइप, तो उसको कवर कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है, पॉइंट पे अपने आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो आपको क्या करना है, आप एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे तो ऐसा लेआउट आएगा। आपको यहाँ पे जाना है, देखिए ये टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी जो होती है ना कस्टम पोस्ट टाइप की कैटेगरी होती है। ठीक है ब्रो, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ जाते हैं व्हाट इज टेक्सोनॉमी, अब कुछ नहीं, आपको ये बोलना है सर टेक्सोनॉमी जो होती है कस्टम पोस्ट टाइप की कैटेगरी होती है, डैश। ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप क्या होता है, कस्टम पोस्ट टाइप जो होता है हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपना चाहते हैं खुद का, मतलब जैसे कि आप जैसे यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, जैसे हम यहाँ रजिस्टर करते हैं ऐड ए न्यू कर ले, देखिए कस्टम पोस्ट टाइप, और सपोज मैंने यहाँ पे नाम रख दिया वेबसाइट मेकर किंग। ठीक है, वेबसाइट मेकर किंग, यहाँ भी मैंने दे दिया वेबसाइट मेकर किंग, किंग्स कर दिया। ठीक है, लगा ना ये देखिए, और यहाँ पर मैं लिख दिया वेबसाइट मेकर किंग। ठीक है, देखिए ये सिंगुलर नेम है इसलिए ऐसा लगा दिया, हटा दिया। देखिए अब खुद ही बोलेगा ना ये जो सिंगुलर नेम है। ठीक है, ये हमेशा स्मॉल में लेता है, आपको पता है स्मॉल में ही रखते हैं। ठीक है, वेबसाइट मेकर किंग, स्पेस नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने अंडरस्कोर दे दिया। ठीक है, ये प्लुरल है, प्लुरल मतलब यस लग गया या सिंगुलर। अब यहाँ पे आने के बाद जब आप किसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये चीज़ पूछेगा कि देखिए अब नीचे आइए ना, तो आपसे पूछ रहा है आप इसके अंदर ये जो कस्टम पोस्ट है बना रहे हैं, मतलब ये वेबसाइट मेकर किंग, इसके अंदर कौन कौन चीज़ आप कॉन्फिगर करना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो अभी फिलहाल इस पर ध्यान ना देखें। आप बस इतना सिंपल से कीजिए, यहाँ से आपको जाना है। ठीक है ब्रो, यहाँ पे ऐड एडिट और पोस्ट जो दिखा है यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐसा आपको डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा पोस्ट टाइप स्लग में, यहाँ पे आपको दे देना स्मॉल लेटर में, प्लुरल में भी स्मॉल लेटर में रहेगा और सिंगुलर में यस आप हटा देंगे और ऐसे ऐड ए पोस्ट टाइप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड ए पोस्ट टाइप आप क्लिक करेंगे, ये देखिए वेबसाइट मेकर किंग यहाँ पे आपको आ गया, ये कस्टम पोस्ट है वेबसाइट मेकर किंग आपको आ गया यहाँ पर, देख रहे हैं ना वेबसाइट मेकर किंग। अब क्या होगा कि ऐसे आप बना दोगे तो जो भी आपकी डाटा है, सपोज मैं क्या किया हूँ, ऐसे ऐड ए न्यू किया, ऐड ए न्यू करने के बाद जैसे हम डम्मी कंटेंट कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे कि डी ओ एम वाई डम्मी कंटेंट, जैसे कि चलो ठीक है। तो ब्रो क्या किया हमने कि इसको ऐसे एज ए हेडिंग लिया यहाँ पे, ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको टाइटल रखा, देख रहे हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पे इसका डाटा रख दिया, ये देखिए डाटा रख दिया। कहने का मतलब है मेरा दोस्त कि आप जो है ना इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इन देखिए अभी क्या हो रहा है, आप जब पब्लिश कर रहे हो ध्यान से देखिएगा, अभी जब कस्टम पोस्ट टाइप आपने बनाया है ऑल वेबसाइट मेकर किंग, ये कस्टम पोस्ट टाइप हो गया। कस्टम पोस्ट टाइप का मतलब आपका इस तरह बोल सकते हो कि आपके वर्डप्रेस, ये जो है वर्डप्रेस में आपका एक मेनू ऐड हो गया। अब ये कस्टम पोस्ट टाइप इसलिए बनाते हैं कि ये अपना हो गया, जैसे अपना इन द सेंस कि आप कोई भी आर्टिकल, जैसे मैंने यहाँ पे मूवीज बनाया है, डील्स बनाया है, तो मूवीज के अंदर हम मूवीज का नाम लिख देंगे कि ये मूवीज है, सलमान खान की मूवी है,
कैटरीना कैफ की मूवी है, जो भी हमारी कैटेगरी है, वैरायटी हम कर सकते हैं। उसी तरह कस्टम पोस्ट टाइप की जरूरत क्यों होती है? कस्टम पोस्ट टाइप की जरूरत इसलिए होती है ब्रो कि जैसे आप ना कैटराइज करते हो, समझ रहे हो, जैसे ये देखिए वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट अपना पोस्ट देता है, आप इसको यूज करोगे तो सिंपल पोस्ट बनाओगे। यदि आप अपना खुद का एक पोस्ट बना लिए कि भाई देखो ये वेबसाइट मेकर किंग है, और वेबसाइट मेकर किंग क्या जो है इसमें से वेबसाइट मेकर किंग के ही रिलेटेड डाटा रहेंगे, इसलिए हम कस्टम पोस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो पोस्ट जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में सारा कुछ आप रखिए, तो ये जो होती है ना जस्टिफाई नहीं हो पाती। अब देखिए यहाँ पे है जैसे डील्स, तो जो भी डील आपका रहेगा उससे रिलेटेड आप ऑफर डाल सकते हो। मूवीज है, जो भी आप मूवीज बनाना चाहोगे, ठीक है, मूवीज का नाम देना चाहते हो, कौन सा एक्टर है, ये आपको जस्टिफाई कर रहा है ना, कैटेगराइज कर रहा है ना, ये मूवीज कैटेगरी है, आपको शो कर रहा है कि भाई कोई देखेगा आपको डैशबोर्ड में। आप वेबसाइट क्यों बनाते हो? क्लाइंट के लिए बनाते हो ना, तो क्लाइंट को समझ में आना चाहिए कि मतलब यहाँ से क्या क्या मैनेजेबल हो रहा है। देखिए यूजर फ्रेंडली हो रही है वेबसाइट वर्डप्रेस, क्यों यूजर फ्रेंडली, इसीलिए बोलते हैं ना वर्डप्रेस जो यूजर फ्रेंडली है, आप यूजर फ्रेंडली बनाते हो उसको, ठीक है। यदि आप किसी तरह यदि कोई भी वेबसाइट हो, चाहे लारावेल हो, चाहे कोडिग्नाइटर हो, चाहे कुछ भी, आप उसको यूजर फ्रेंडली बनाओगे तभी यूजर फ्रेंडली होगा। अब जस्टिफाई हो जा रहा है कि इसी का मतलब ये जैसे ऑल मतलब जैसे यहाँ पे वेबसाइट मेकर किंग, तो इसमें वेबसाइट मेकर किंग से रिलेटेड सारे डाटा रहेंगे, इसमें मूवीज है तो मूवी से रिलेटेड डाटा रहेंगे, इसमें डील्स है तो डील से रिलेटेड डाटा रहेंगे, इसमें पोस्ट है बाय डिफॉल्ट वर्ड्स में सारा पोस्ट से रिलेटेड डाटा रहेंगे, जो ब्लॉग पोस्ट हमारे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे वेबसाइट मेकर किंग का एक कस्टम पोस्ट टाइप बना लिया है, मूवीज का कस्टम पोस्ट टाइप बना लिया है, ठीक है। तो हमने इस प्लगइन का यूज करके बनाया है, ठीक है। ये कैसे बनता है आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला कि देखिए अब इसमें फीचर्स नहीं आ रहे हैं ना ब्रो, बस टाइटल आ रहा है यहाँ पर, देखिए कंटेंट आ रहा है यहाँ, फीचर इमेज और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, देखिए प्लगइन से बनाने का यही होता है ना कि आप जैसे चाहेंगे ना वैसे मैनेज कर सकते हैं। कोडिंग से बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोडिंग को जाकर एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पर सारा सब डायनेमिकली होता रहता है, ठीक है, डायनेमिकली होता रहता है। आपको कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से वन क्लिक करेंगे सारा कुछ होता चला जाएगा। और कोडिंग में क्या होता है कि आपको कोडिंग करना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ब्रो, यही चीजें होती है, दोनों बेस्ट है। अभी आप वेब में प्लगइन से देखिए, उसके बाद मैं आपको डायनेमिक बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये आसान है, ठीक है ब्रो। तो जैसे कि आप हमने क्या बनाया था, कुछ नहीं, हम चले जाते हैं यहाँ पर जितने भी जो हमारे पोस्ट है ना ऑल पे चले जाते हैं, रजिस्टर्ड टाइप पे चले जाते हैं, यहाँ से ना जो भी हम जो बनाए रहेंगे ना वो सारा दिखेगा। तो हमने वेबसाइट मेकर किंग का बनाया ना, देखिए ये दे एडिट कर दिए इसको, ठीक है। ये देखिए नाम जो है ना थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ से टूट जा रहा है, ये जो हमारी जो है ना वेबसाइट मेकर किंग, देखिए देख रहे हैं यहाँ से टूट जा रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसको शॉर्टकट कर देंगे, शॉर्टकट में क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम इसे ना सिंपल बना देते हैं, वेबसाइट मेकर के बना देते हैं, ठीक है, वेबसाइट मेकर के बना देते हैं। और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, ठीक है, कि आप ये सिंगुलर है तो सिंगुलर है, स्लग हैज चेंज, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यस नहीं लगाना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन लगा दीजिए तो नियम से चलेंगे तो बेटर रहता है, ठीक है। तो आप इसको सेव कर दीजिए, जब आप सेव करेंगे, अभी भी नहीं आया हमारा, अच्छा एक, हाँ यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे डिलीट ही कर देते हैं ना, बहुत बड़ा नाम है, डिलीट कर देते हैं। जैसे आप डिलीट करेंगे तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे किया है ना अभी बनाया था जो आपको दिखाने के लिए, वो चीज़ हट जाएगी, हट गई, ठीक है। लेकिन हम नया बना लेते हैं, ऐड ए न्यू पोस्ट टाइप पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं डब्ल्यू एम के, ठीक है, डब्ल्यू एम के हो गया। अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एम के बन गया हमारा कस्टम पोस्ट टाइप, हमारा बन गया है WMK, ठीक है, WMK कस्टम पोस्ट टाइप जो है बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बन गया है। तो जब हम WMK जब बनाएं यहाँ पे, तो आप देखेंगे जब आप उसको एडिट करोगे तो इसमें लिमिटेड ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि WMK अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगे, जैसे ऑथर नेम, ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप जो होता है, कस्टम पोस्ट जो फील्डें होती हैं वो भी डिस्प्ले होने लगे, ठीक है। तो उसके लिए इस स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे आप यहाँ से,
तो भी यहां से बात नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि आपने उसको सेट नहीं किया ना, आपने बनाया नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जो है कस्टम पोस्ट टाइप पे गए यहाँ पे, तो कस्टम पोस्ट टाइप जाने के बाद जितने भी जो आप रजिस्टर रहेंगे, आप इस रजिस्टर पे चले जाइए, और जाने के बाद जो है आप देखिए इधर से ये इसको जो है डब्ल्यू एन के पे गए, डब्ल्यू एम के पे जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको एडिट। एडिट करने के बाद हम नीचे आएंगे, जो पहले मैं आपको बता रहा था, ठीक है। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे ये देखिए ऐड कर देंगे, स्ट्रक्ट ऐड कर दिए, कस्टम फील्ड ऐड कर दिए, कमेंट ऐड कर दिए, रिवीजन ऐड कर दिए, ऑथर का नाम ऐड कर दिया, ठीक है, और जो भी आप चाहेंगे पोस्ट फॉर्मेट ऐड कर दिए, ये सब ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद, ठीक है, अब इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, अभी देखिए आपका कैसा ये आ रहा है लेआउट, इसके अंदर का कस्टम पोस्ट टाइप के अंदर का जो है लेआउट भी देखिए अब बदल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अपने छोटा आ रहा था ना, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, फॉर्मेट आ गया, गैलरी आ गई, इमेज आ गई, पहले पहले ये चीजें नहीं आती थी, ठीक है, सारी ये चीजें आपको आ गई। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हमें दिखने लगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, जैसे कि इसको कॉपी करते हैं, और उसको कॉपी करने करते हैं, और यहाँ पे इसको रख देते हैं, एंड यहाँ पे जो है टाइटल इसको रख लेते हैं, टाइटल रख लेते हैं, ठीक है। और कोई भी गैलरी ऐड करना चाहते हैं तो आप गैलरी ऐड पे क्लिक कर दीजिए जाके, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको पब्लिश कर देते हैं। जब आप इसको न्यू में करेंगे, न्यू पर, न्यू टैब में ओपन कीजिएगा, तो ये देखिए आ रहा है आपका, ठीक है, आ रहा है ना। और आप चाहे तो यहाँ पे फीचर्स इमेज भी सेट कर सकते हैं, फीचर्स इमेज हम किसे लेंगे, आजा फीचर्स इमेज हम जो है इसको ले लेते हैं, ठीक है, फीचर्स इमेज, एंड इसको अब देखिए ये चीजें तो आ गई। अब हम जो है डब्ल्यू एम के का कैटेगरी बनाएंगे, कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे, ठीक है। ये जो चीजें हमारी हो गई, चलिए ठीक है, यहाँ पर सारा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम इसको कैटराइज भी तो करना है, हमें ये कैटराइज करना है, ये कैटराइज में कैसा है, ठीक है, मतलब कैटराइज जो है हमें करना है इसकी, इसके लिए तो क्या करना है, मतलब कैटराइज इन द सेंस कि हमें कैटेगरी बनानी है, तो आपको भी कहीं कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्लगइन आपको ये फीचर्स देता है, आपको क्या करना है, टेक्सोनॉमी आपको ऐड करना है, टेक्सोनॉमी मतलब आपको कैटेगरी हो गई, तो आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, ऐड ए टेक्सोनॉमी कीजिए, और यहाँ पे कर लीजिए डब्ल्यू एम के कैट, ठीक है, और डब्ल्यू एम के कैट मतलब वेबसाइट मेकर किंग की कैटेगरी, डब्ल्यू एम के कैट, ठीक है। अब देखिए अब ये बोल रहा है कि ये जो है अटैचमेंट किसके साथ करेंगे, यहां पूछ रहा है, ये जो आप कैटेगरी बना रहे हो, यानी ये जो टेक्सोनॉमी बना रहे हैं आप, तो ये किसके साथ अटैचमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं भाई, हमने जो बिस के लिए बनाया है, डब्ल्यू एम के लिए, तो डब्ल्यू एम के करेंगे तो डब्ल्यू एम के साथ ये ऐड हो जाएगा, डील्स के साथ करेंगे डील्स के साथ ऐड कर दे हो जाएगा, मूवीज के साथ देंगे मूवीज के साथ ऐड हो जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल मूवीज के साथ ऐड करता हूँ और एम के मूवीज को आपको बताने के लिए करता हूँ, ठीक है ब्रो। अब इसको ऐड ए कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही ऐड ए हमने कर दिया, ऐड ए करने के बाद क्या हुआ, ये देखिए ऐड कर दिया ना, अब ये देखिए डब्ल्यू एम के पे जाइए, डब्ल्यू एम के जाइए, देखिए माई कैट आ गया, और मूवीज के बाद भी देखिए यहाँ पे कैट आ गया, ठीक है। तो आप डब्ल्यू एम के में गए, यहाँ पे कैटेगरी में जाके आपने यहाँ पे कैटेगरी दे दी, जैसे मैंने कैटेगरी दे दिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दे दिया,
एबीसी दे दिया, इसके बाद इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है लिख दिया, सपोज यही लिख दिया, और उसके बाद लिख दिया, और उसके बाद ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसकी कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है, ऐड, जब आप WMK में कोई पोस्ट ऐड करते हैं या कोई डाटा ऐड करते हैं, तो फिर देखिए आप, जैसे कि ये डाटा मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये ले लिया, इसका टाइटल ले लिया, ठीक है, टाइटल ले लिया, और उसके बाद इसको कैटेगरी जो हमारी है, तो हम जो है एबीसी कैटेगरी बनाए, एबीसी ऐसे कैटेगरी बना के बना लिए, देखिए आ रही है एबीसीडी, ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। और भी कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने एक्स वाई जेड कैटेगरी लिया और इसको ऐड कर दिया, तो एक्स वाई जेड कैटेगरी हमारी बन गई, ठीक है। हमने इसके लिए एक फीचर्स इमेज ले लेते हैं कोई भी, ये ले लेते हैं, मैंने इसको फीचर्स इमेज दे दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको जो है हम पब्लिश कर दिया। अब देखिए ये सिंपल जो हमारी आ रही है, अब जब हम इसको व्यू करेंगे तो देखिए क्या होता है, न्यू टैब में इसकी व्यू लेआउट देखेंगे, ऐसे आ रहा है ना ये, ठीक है। तो ऐसे हम कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हो, तो जब आपका, देखिए अभी तो हमारी वेबसाइट में चल रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, जो कस्टम पोस्ट टाइप आपने बनाया है ये चल नहीं पाती है, क्योंकि सिंगल डॉट पीएचपी से ये एक फाइलें आती हैं, ये जो फाइलें आती है सिंगल डॉट पीएचपी से आती, कभी कभी ये काम नहीं करता है। तो उस सिचुएशन में भी ये जो है प्लगइन आपको हेल्प करेगा, ये बोलता है यदि नहीं शो हो रहा है जो कस्टम पोस्ट टाइप आप बनाए हो, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। रजिस्टर की क्लिक करने के बाद, जैसे कि जो मैंने WMK बनाया है, गेट ए कोड कीजिए, जैसे आपने गेट ए कोड करेंगे, ये देखिए आपको कोड दे देगा, और इस कोड को बता भी रहा है कि आपको कहाँ रखना है, इस कोड को कॉपी पेस्ट कीजिए, किसके अंदर, फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर कीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये WMK पोस्ट टाइप है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए और कॉपी पेस्ट करिए फंक्शन डॉट पीएचपी में, और टेक्स्टोमी ऐड करने के लिए ऐसे इसको करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए फंक्शन डॉट पीएचपी में। तो जब फंक्शन डॉट पीएचपी में आप इसे कर दोगे, तो ये आपका मैनुअली बन गया, जिसके बारे में मैं आपको अगला बताऊंगा। ये प्लगइन भी आपको दे दिया कि यदि आपका नहीं चल रहा है कस्टम पोस्ट टाइप, तो आप यहां से गेट ए कोड पे जाके कोड लेके आप उसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए मैं जो ना थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई है आप लोगों को समझाने में, तो ध्यान से देखिएगा शुरू से लेके अंत तक, तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा, और उससे रिलेटेड जो भी दिक्कत कोई भी परेशानी आप हमें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो यदि मैं समअप करना चाहूँ, तो हमारा जो है कस्टम पोस्ट टाइप जो है इस चैप्टर में खत्म हो गया, ठीक है। ये कस्टम पोस्ट टाइप किस लिए होता है, जो अपना चाहते हैं अपने हिसाब से हम किसी चीज को कैटराइज करना चाहते हैं, उसके लिए हम कस्टम पोस्ट टाइप यूज करते हैं, ठीक है। कस्टम पोस्ट टाइप दो तरह के होते हैं, हम प्लगइन का यूज करके बना सकते हैं और मैनुअली भी बना सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हमने कस्टम पोस्ट टाइप प्लगइन का यूज करके बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम मैनुअली आप लोगों को बताएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, एक प्लगइन को यूज करना है कस्टम पोस्ट टाइप को, यहाँ पे जाके ऐड करने हैं, ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप यहाँ से ऐड करने हैं जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद आपका यहाँ से जो है आपको क्या क्या उसके साथ आपको देना, बाय डिफॉल्ट तीन आते हैं, टाइटल इधर फीचर में आपको जो जो चीज फंक्शनलिटी चाहिए आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कैटेगरी बनानी है कि ये भाई ABC कैटेगरी में ये चीज शो होनी चाहिए, इसके लिए ये बनानी है, और यदि सारा आप देखना है कि कहाँ क्या है, तो आप रजिस्टर पर देख सकते हैं, यहाँ से आप जाके एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से इसकी, और जहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा उसके लिए आपको इस कोड को कॉपी करके यहाँ से गेट क्लिक करके कोई भी कोड को कॉपी कर लीजिएगा, तो और यहाँ से आपको कॉपी करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरह यार आप लोगों के लिए मैं जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय, जय माता।